इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बदलापुर कांच पर पुणे में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन। प्रदर्शन में शरद पवार, सुप्रिया सुले शामिल हुए हैं। मुंह पर काली पट्टी बांधकर ये प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें, विरोध जताया जा रहा है लेकिन मुंह पर काली पट्टी बांधकर। बदलापुर कांच को लेकर लगातार सियासत चरम पर है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद महाविकास अघाड़ी ने बंद को रोक दिया और अब विरोध जो जताया जा रहा है, मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंह पर काली पट्टी बांधकर शरद पवार यहां मौजूद हैं, साथ ही सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं। तो बदलापुर कांच में पुणे में महाविकास अघाड़ी का ये विरोध प्रदर्शन, शरद पवार, सुप्रिया सुले और तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं इस विरोध प्रदर्शन में। पुणे महाविकास आघाड़ी तरफे आपल्या सर्वांची तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये विरोध जताया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंह पर काली पट्टी बांधकर शरद पवार यहां पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं कि पहुंचे हैं और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बदलापुर कांड को लेकर पहले महाविकास अघाड़ी की तरफ से ये कहा गया था कि विरोध जारी किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं जताएगी। तो इसे लेकर आपको बता दें कि अब महाविकास अघाड़ी की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें आप पुणे से देख रहे हैं, शरद पवार पहुंचे हैं, सुप्रिया सुले भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल। हालांकि इसे लेकर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान आया कि कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जाएगा। महाविकास अघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया, ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहां कहां है, गृहमंत्री कहां है, प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ वहां के जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियां, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है, कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, बदलापुर कांड की बात की जाए, लगातार इस पर सियासत हो रही है, हालांकि कोर्ट की तरफ से जब आदेश आया, विरोध जारी है। जानना ये चाहेंगे किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कि लोकतंत्र में किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती, ये हम राजनीति के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। जरूर सही कहा आपने। महाविकास अघाड़ी ने पहले ऐलान किया था कि शनिवार के दिन, यानी 24 अगस्त के दिन, यानी आज के दिन पूरे राज्य में बंद का ऐलान किया जाएगा। हालांकि जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बंद को गैरकानूनी करार दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अभी भी इसका विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है, और जगह जगह पर जो विपक्षी दल है, खासकर के महाविकास अघाड़ी के घटक दल है, वो जगह जगह पर पूरे राज्य में अपने तरीके से इस बंद में जो शामिल है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें बता दूंगा, सूचना भवन की है। थोड़ी देर में यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और खुद उद्धव ठाकरे ने कल इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने पार्टी दफ्तर के बाहर, यानी शिवसेना भवन के बाहर, हाथों में काला झंडा लेकर और मुंह पर काली पट्टी बांधकर इस पूरे घटनाक्रम जो हो रहे हैं, अत्याचार जो हो रहे बच्चियों के खिलाफ, उसका निषेध करेंगे। हालांकि मंच तैयार है, थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे और उसको देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर कहे तो अपने अपने तरीके से जो घटक दल है महाविकास अघाड़ी के, वो इस बंद में शामिल है। राज्य के अलग अलग इलाकों में इस तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसे साइलेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। शरद पवार, सुप्रिया सुले जहां पर पुणे में है, तो वहीं नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो थाने में है, वर्षा गायकवाड़ मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है वो धारावी में इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगी, और उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में सूचना भवन पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद मंच पर खड़े होकर काले झंडे हाथ में लेके मुंह पे काली पट्टी बांधकर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, और आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ देर
अब उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे तो अलग अलग मोर्चा संभाल रखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ शरद पवार जो कि पुणे में मोर्चा संभाल रखा है, दूसरी तरफ मुंबई से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। उद्धव ठाकरे भी विरोध जताएंगे, हालांकि ये विरोध शांतिपूर्ण तरीके से जताया जाएगा।